दोनों भाई को मैंने कहा है तुम चौराहा को पास जाओ, जा करके कन्या को डोली घेर करके ले आओ सम्बलगढ़ में। उसी टाइम सम्बल विमल ने कहा है जब मामा जी आप मेरे किले में बैठिए, तब तक 500 बारी खाइए, मन मिठाई खाइए, ठंडा पीजिए, मैं उसको बंगला पर बैठे हुए हैं, यहाँ से मैं इंतजार कर रहा हूँ, सम्बल विमल नहीं आया है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, देखता है कि सम्बल विमल आता है कि नहीं। लेकिन मामा महारानी नहीं दे रही है, सर कटवाना चाह रहा है। हाँ भैया जी, महेश जी वही सोच करके दोनों भाई के एक कोई राज सोच करके चाहते हैं मामा जी सम्बल और विमल सिंह के किसी तरह मैं सर को कटवा दूं। हाँ भाई, तूने कहा वो सच ही था, मामा मेरे सर कटवाना चाहते हैं, मेरे किला को बर्बाद करना चाहता है। फिर कोई बात नहीं, चल चलो, मामा आएंगे उसे टुकड़ा टुकड़ा। बहुत जल्दी मामा चलता है, आ गया, मैं पहुंच गया। एगना, समाचार बताओ, क्या हुआ है चौराहे के पास, नहीं आया है कि नहीं? मामा जी, आप क्या समाचार पूछते हैं सम्बल विमल सिंह से? मामा जी, आपने कोई राज सोचे हैं कि सम्बल विमल सिंह के किसी तरह राज सम्बल को विनाश कर दूं, उस दोनों भाई का सिर कटवा दूं? ऐसा मैं कभी नहीं सोचूंगा, किस लिए ऐसा बात तुम बोल रहा हूं? मामा जी, मैं उस चौराहे के पास 700 फौज पलटन लेकर के गया हूं। अच्छा। चौराहे पर ढाट को मार दिया हूं, और बालक जो डोली का साथ साथ है उनको नाम है इंदर सिंह, और तो तूफान मचाया हुआ है उस चौराहे के पास। अगर मैं प्राण बचा करके नहीं भागते तो मुझे सर को बचा लिया। तुमको मैं झगड़ा लड़ाई करने के लिए कहा है? क्या कहे मामा जी, जाओ उस चौराहे पर ढाट को मार देना, उस लड़का से कहना अगर लड़का मान जाएगा तो तुम डोली लेकर के राज सम्बल में आ जाना। मैं बात से कहा हूँ, बात को नहीं माना है, उसके साथ मुझे सरग्राम करना पड़ा है। मैं उसे सरग्राम में पार नहीं पाया है, मैं अपना जान बचा करके भागा हूँ मामा जी। अगर नहीं भागता तो मुझे सर जुदा कर लेता। मैं डरने के लिए कहा है, उसे पहले मामा जी, भैया जी से आप बातें कर लीजिए। भैया जी आ गए, मामा जी बोलेंगे भगना, यह कहेंगे कब आपको मैं दुश्मन हूं, सर कटवाना चाहते हैं। मैं सर नहीं कटवाऊंगा। क्या हुआ है चौराहा? क्या हुआ? ये चर बिफोर तू अब सम्बल में तब कहलाऊ सम्बल सिंह है, ये भागने न देंगे महामकिला से। Thank you.
कैसे पिक्चर जल्दी कहेंगे मामा। लड़ाई करने चाहता है या का पूछता है जे मामा जी हम वहाँ पर पछाड़ गया है कैसे होगा मैं कैसे जीत पाऊंगा। तो मैं सोच लेता 50,000 रुपया खर्च करो। 50 नहीं 75 मिलेंगे मामा। चेक काट दूंगा जाकर जले सर छोड़ा लीजिएगा। 75,000 रुपया तुम दे देंगे इतना बड़ा इंदला के तुम बड़ाई करते हैं मैं चुटकी में मसल दूंगा। कैसे कहेंगे मामा? जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है कहेंगे। एक ठोक नगर कट्टा घोड़ा के व्यवस्था करो। अच्छा एक लोटा पानी ले लो 5 टुक कपड़ा ले लो। यहाँ से फिर से जाओ तुम चौराहा को पास। चौराहा के पास तुमको चेहरा देखेगा तो इंदला फिर से तलवार उठा देगा। तो नीचे में सर झुका देना। मैं झुका दूंगा सर को। अच्छा आगे बोलिए मामा। आज मोहब्बत दयालु है इंदला सर तुमको नहीं काटेगा। तुम क्या कहना है इंदला? तुमको चाचा से मेरा पुराना दोस्ती है। तुमको चाचा एक समय की बात मेरा कहा जे मेरे बेटा इंदर बहुत वीर बरमान है। मैं अपने बात आत्मा में मैंने उस बात को मैं नहीं माना इसलिए तुमको बल जांचने के लिए मैं चौराहा पर आया हूँ। ठीक है तुम सही में बलवान है क्योंकि तुमको चाचा से मेरा दोस्ती है। आज तुम वैसे ही मेरे चौराहा से चले जाएगा तो जाकर के तो अपने चाचा के कहेगा जे मैं संबलगढ़ होते हुए आया हूँ। मामा जी ठीक आप कह दिए मैं समझ गया हूँ। खैर चल चलिए चौराहे की पास जाता हूँ। आगे कुछ बातें होंगे आप कहेंगे। चल चलिए थोड़ा पर चढ़ा देना। अच्छा एक भाई आगे रहना एक भाई पीछे रहना। अच्छा तौल के छिटकी घोड़ा के मार देना। कान में शीशा पूर पूर काठी बलसी ठोक करके और गरम कोठली में उसको रख।